सिब्बू सुबह हो गई, उठ जा बेटा। ओह शिट, 6 बज गए क्या? मतलब आज सारी रात मैं वेब सीरीज ही देखती रही। एक काम करती हूँ, 2 घंटे सो जाती हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। 8 का अलार्म लगा लेती हूँ और 2 घंटे में पक्का उठ जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, घर का भी काम करना है, जिम भी जाना है, फिर कॉलेज भी जाना है। ठीक है, अलार्म लगा लेती हूँ। सारे प्लान की ऐसी तैसी हो गई, ना कॉलेज जा पाई ना जिम जा पाई, पर कोई नहीं, आज पक्का टाइम से सोऊंगी और कल पक्का टाइम से उठूंगी। अरे सिब्बू, तू अभी तक रेडी नहीं हुई, और ये क्या कर रही है? अरे ये मैं हेयर रिमूव कर रही हूँ। अच्छा, पर तू तो पार्लर से कराती थी ना? हाँ यार, पर आजकल कौन जाएगा पार्लर? फिर मैं एक दिन ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी, फिर मुझे ये इतना क्यूट सा हेयर रिमूवर दिखा, वीनस स्नैप, तब से बस मैं यही यूज कर रही हूँ। सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, घर पे जब भी फ्री टाइम मिले तो बस यूज कर लो। अच्छा, पर इतने छोटे से? हाँ यार, ये छोटा सा है बट इसकी ग्रिप बहुत अच्छी है और बहुत इफेक्टिव भी है, और बहुत ही स्मूथली इससे सारे हेयर निकल जाते हैं, और तो और ये मेरी मेकअप किट में भी आ जाता है। और जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया है ना, तब से मुझे इससे बेस्ट कुछ भी नहीं लगता। अच्छा, पर इसको यूज कैसे करते हैं? अरे यार, सबसे पहले तुम अपनी स्किन को गीला कर लो, और इस पे पहले से ही बार जेल लगा होता है तो सोप की तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। फिर स्नैप से ग्लाइड कर लो हेयर ग्रोथ की ओपोजिट पोजीशन में, और फिर लास्ट में मॉइस्चराइजर लगा लो। देख कितनी स्मूथ हो गई है मेरी स्किन। वाओ यार, कितनी स्मूथ हो गई है स्किन। हाँ चल, मैं 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ। चल ठीक है। अरे बेटा, ये क्या रख रही है तू अपने मेकअप किट में? अरे मम्मी, ये स्नैप है, बेस्ट हेयर रिमूवर, कभी भी और कहीं भी। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी चीज है, काश हमारे जमाने में भी ये सुविधाएं होती। वैसे तेरी स्किन बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू मम्मी। बाय मम्मी। बाय बेटा। तू खामखा टेंशन ले रही, अरे अरे ये क्या हो गया इसमें? इसका पुनर्जन्म कैसे हो गया? ये तो पिछले सीन में मर गई थी। बेटा देख, ये पिछले सीन में मर गई थी। हाँ मुझे पता था इसका पुनर्जन्म होएगा, और अगले सीन में ना इसके पति को भी दिखाएंगे, उसका भी पुनर्जन्म होएगा। देखा, मैं कह रही थी ना, देखो देखो वो आ गया। सिब्बू देखिए, देख आजकल की लड़कियों को देखिए, बहू ये जरूर देख कितना तंग कर रही है अपनी, कितना तंग कर रही है अपनी सास को, देखना। देख बेटा, ये जरूर इसको जहर वहर देगी। बेटा देख, सुन रही है क्या कह रही हूँ मैं? हाँ मम्मी। अब ये देख, देख इनकी शादी हो गई, मैंने कहा था ना शादी होगी, देखना सिब्बू, मैंने कहा था ना शादी होगी। सिब्बू देख। तू सुन भी रही है मैं क्या कह रही हूँ? क्या फोन में लगी हुई है, हंस हंस के बातें कर रही है, दिखा फोन मेरे को। क्या है इसका पासवर्ड? क्या है, खोल इसको। मम्मी रहने दो ना, पासवर्ड का क्या करोगे आप, टीवी देखते हैं। टीवी जाए भाड़ में, तू इसका पासवर्ड खोल।
देखू तो सही किससे बात कर रही थी। मम्मी वो मुझे पासवर्ड याद नहीं आ रहा। पासवर्ड याद नहीं है तेरे को? खोल चुपचाप इसका पासवर्ड, मेरे को बता। मम्मी वो मेरा फोन आ रहा है। फोन आ रहा है? फोन तो मेरे हाथ में है, देख के तब पागल बना के गई यही लड़की। तेरे सब आ गए हैं, वो डांस वाला भी आ गया है, वो एमएमए वाला भी आ गया है, तूने सब लिए थे पक्के वक्के। एक तो दिख गया, अरे दूसरा भी दिख गया, चलो एक स्टार तो है मेरे पास। ओ माइकल, माइकल है, माइकल भी है। माइकल वाज देयर, अमन भी था, तरंग भी था। ये क्या अश्लील हरकतें देख रही है तू? अरे मम्मी क्या है, डिस्टर्ब मत करो ना, अभी मेरा बहुत इंटरेस्टिंग सीन चल रहा है, मेरे को देखने दो। इसमें देखने की ऐसी कौन सी चीज है? अरे मम्मी आपको नहीं समझ में आएगा, ये आपके मतलब की चीज नहीं है, मेरे को देखने दो। अगर तूने कुछ देखना ही है ना तो कुछ ढंग का देख। साथ निभाना साथिया देख, कुमकुम भाग्य देख, कहानी घर घर की देख, उतरन देख, नागिन देख। तेरे को थोड़ी सी अकल आएगी, वैसे तो भगवान ने तेरे को कुछ अकल दी नहीं, कुछ तो संस्कार आएंगे तेरे अंदर। अरे मम्मी क्या है, आप क्यों फालतू में डिस्टर्ब कर रहे हो, देखने दो ना मुझे। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता कि आजकल के बच्चों को हो क्या गया है, ये उघाड़पना देख रही है तू है? ये देख लड़कियां कैसी गंदी गंदी गालियां बक रही हैं। नहीं तू ये बता, तेरे को ऐसा बनना है क्या, इन जैसा बनेगी तू? ऐसा कर, 7 बज गए हैं, मेरा सीरियल का टाइम हो गया कुमकुम भाग्य का, वो देखना मुझे, ठीक है? उस पे लगा दे। यार मम्मी मेरे को देखने दो, मैं नहीं दे रही, आप भी तो टीवी देखती हो, मैं कुछ बोलती हूँ क्या, मेरे को देखने दो। नहीं लगाएगी तू? नहीं। तो फिर एक काम कर, तू मुझे ना अपना फोन दे दे पासवर्ड खोल के, तू टीवी देखती रहे। अरे मम्मी आप क्या करोगे, आप अपना सीरियल देखो ना, ये लो रिमोट देखो आप। अरे आज खाने में क्या बनाऊं? मम्मा मेरे लिए आलू के पराठे। और मम्मा मेरे लिए खीर। मम्मी मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी और पूरी। और मेरे लिए आलू मेथी की सब्जी और रोटी, और हाँ हरी मिर्च जरूर ले आना। ठीक है, खाना रेडी है। अरे सिब्बू बेटा, आज तेरी मम्मी घर पे नहीं है, बेटा कुछ खाने को बना दे। हाँ पापा सही कह रहे हो, मुझे भी बहुत भूख लगी है। अच्छा बताओ क्या खाओगे? मेरे लिए आलू बूंदी का रायता बनाना। मेरे लिए पोहा। और बेटा मेरे लिए प्याज के पकोड़े बना देना। अच्छा अभी लाई। सरसों कैसे थी भाई साहब? मैम 15 रुपए किलो। हाँ 15 रुपए किलो, बगल वाला 10 रुपए की जुट्टी दे रहा है। और ये गाजर कैसे थी? मैम गाजर 50 रुपए किलो। क्यों लूट मचा रखी है भाई साहब, 20 रुपए किलो दे रहा है वो, सही लगाओ। मैडम 20 रुपए की तो खरीद हमें नहीं पड़ती, आपको कैसे दे दे? देखो 20 रुपए किलो लगानी है तो ठीक है, नहीं तो मैं बगल वाली से ले लूंगी। अच्छा ठीक है बहन जी, ले लो आप। दे दो एक पाव। हैं? एक पाव? गोभी कैसे दी? मैडम 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो, बताओ सब सब्जियों में आग लगा रखी है, 15 रुपए किलो दे रहा अगले वाला। सकल से क्या मैं पागल दिखती हूँ जो इतना महंगा रेट बता रहे हो, सही सही लगाओ गोभी के, 10 रुपए किलो लगानी है तो दे दो। ठीक है बहन जी ले लो। आधा किलो तोल दो। है? आधा किलो? ऐसा है भैया जितनी भी आपके पास सब्जियां ना सारी आधा आधा किलो दे दो, और साथ में हरा धनिया और हरी मिर्ची डाल देना, और इतना सामान ले रही हूँ आधे पैसे दूंगी। अरे बहन जी आपने तो ना मुझे दुखी कर दिया, आप एक काम करो मेरी सारी दुकान ही ले जाओ, बस मेरा पेंडा छोड़ो। अच्छा ऐसा है, ऐसा करो फिर सारी सब्जियां पैक करो और घर भिजवा दो। हैं? और धनिया मिर्ची के पैसे नहीं दूंगी।
इन भारतीय नारियों का ना कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके घर में भी ना ऐसी औरतें हैं, खासकर मम्मियाँ, तो कमेंट करके जरूर बताना, मैं तो लुट गया। भैया सब्जियां देना। क्या क्या दूं मैम? अरे भैया आपको जो भी ठीक लगे दे दो। लो मैम। ऐसे ऐसे ग्राहक ना हर रोज आने चाहिए, अपनी दो तीन दुकानें खोल लूंगा। इनकी मम्मी है ना जितनी चंट है, बेटियां उतनी बेवकूफ। ओए ओए।